नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव इसी साल हैं और हरियाणा में जहां भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है, जब पंचकुला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक होती है और उस बैठक में एक फैसला लिया जाता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चेहरे पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तब से ही हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल विज और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिलती है। लेकिन इन नाराजगियों को दूर करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से जननायक जनता पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल पर हमला साधा है और ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोक दल और जननायक जनता पार्टी को भी अपनी विरासत को बचाने के लिए कदम उठाना चाहिए, ना कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने जब ये ऐलान किया कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देते हुए नजर नहीं आएंगे बल्कि कांग्रेस पार्टी को अपना पूरा समर्थन भी दे सकते हैं, उसके बाद से देखा जाए तो अभय चौटाला ने भी एक बड़ा बयान दिया कि जरूरत पड़ी तो मैं कांग्रेस पार्टी को भी वोट देने के लिए तैयार हूँ। ये बयान जब से सामने आए हैं तब से नायब सिंह सैनी इनेलो और जेजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर नायब सिंह सैनी का ये कहना है कि चौधरी देवीलाल की विरासत को बचाइए। किस तरीके से राजनीति में वो नजर आए थे, दो बार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर भी तैनात रहे हैं, लेकिन आज ये देखने को मिल रहा है कि जननायक जनता पार्टी और इनेलो कांग्रेस के आगे सरेंडर हो रही है। जबकि ये भी दावा किया गया था जननायक जनता पार्टी की तरफ से कि करनाल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल अगर हो जाती है तो चंडीगढ़ के विधानसभा चुनाव में आसानी हो जाएगी। ये दावा इनेलो के जरिए भी किया गया था, ये दावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए भी किया गया था। लेकिन नायब सिंह सैनी ने ये दावा किया है कि ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी थी। अब साफ तौर पर नजर आता है कि उन्होंने कहा है कि पैचअप कांग्रेस पार्टी के साथ मत कीजिए बल्कि अपनी राजनीति विरासत को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए कोई आगे बड़ा कदम उठाते हुए नजर आई है। अब यहाँ पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा आरोप इनेलो और जननायक जनता पार्टी पर लगाया है, इससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या अब जननायक जनता पार्टी ने तो साफ कर दिया है तो क्या अब इनेलो भी पूरी तरह से साफ करती हुई नजर आएगी कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने के लिए अगर गठबंधन करना भी पड़ जाए तो गठबंधन के लिए भी तैयार हो जाएंगे। क्या लगता है आपको कि आप जननायक जनता पार्टी के बाद इन्होंने भी क्या कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार होती हुई नजर आएगी? इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।